राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भारतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को दिया जाएगा पद्म विभूषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में करेंगे रैली। बीते 22 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूपी में पांचवा दौरा। मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद में कर चुके हैं रैली। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। तीसरे चरण में 11 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। बसपा प्रमुख मायावती बुलंदशहर और नोएडा में करेंगी चुनावी सभा। बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में लोगों से वोट की करेंगी अपील। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी के सतना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमर तोड़ महंगाई गरीबों के लिए आफत, भाजपा से कोई खुश नहीं। अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन की जीत के दावों के साथ 2024 में भाजपा की विदाई का दिया नारा। कहा भाजपा अपना दौर पूरा कर चुकी है। मुख्यमंत्री आज फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित भाजपा की चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी समर्थन में जनता से करेंगे वोट की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश और देश का हुआ है जबरदस्त विकास। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि अखिलेश और राहुल गांधी से विचारों का मतभेद, सनातन के विरोध में दोनों की नीतियां। रायबरेली लोकसभा सीट पर जनता असमंजस में, कार्यकर्ता चला रहे हैं चुनावी मुहिम। भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किया प्रत्याशी। सभी की निगाहें पार्टियों पर लगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी 28 अप्रैल को बरेली में गठबंधन में प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के समर्थन में करेंगे जनसभा और रोड शो। उद्धव ठाकरे ने चुनाव चिन्ह मशाल को लेकर बनाए गए गीत से जय भवानी और हिंदू जैसे शब्दों को हटाने से किया इनकार। निर्वाचन आयोग ने दिया था नोटिस। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति उन लोगों को बांटेगी जिनके अधिक बच्चे हैं। कांग्रेस ने इस पर की आपत्ति। मेरठ में अरुण गोविल के लिए वोट मांगेंगी रामायण में रहे कलाकारों की टीम। 22 अप्रैल को दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी करेंगे रोड शो। दानिश अली का दल बदल कर नाम रोहा में बना मुद्दा। मायावती ने कहा उन्होंने किया विश्वासघात। सपा जब आजम को नहीं बचा पाई तो मुस्लिमों को क्या बचा पाएगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यूपी में सबसे अधिक करोड़पति प्रत्याशी हेमा मालिनी नंबर एक पर। 21 चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले, 18 पर गंभीर मुकदमे हैं दर्ज। गाजीपुर में पुलिस ने नकली नोट बनाने और बाजार में सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास 500, 200 और 100 के नकली नोट हुए बरामद। प्रदेश में यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 साल में 8 गुना बढ़ी टॉपरों की संख्या। छोटे शहरों से अधिकतर परीक्षा में छात्र कर रहे हैं टॉप। रिजल्ट में पास होने वालों की संख्या बढ़ी। लखनऊ में चलचलाती धूप के साथ तेज हवा के थपेड़ों के बीच गर्मी बढ़ी। 25 अप्रैल तक 40 के पार रहेगा पारा। लू और तेज धूप की चेतावनी, कई बार दिखेगी बादलों की आवाजाही। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी।